दोस्तों, आजकल हेयर फॉल का प्रॉब्लम हम सबकी परेशानी बन चुका है। मुझे भी ये बहुत ज़्यादा था, लेकिन मैंने इसके ऊपर अच्छा खासा रिसर्च किया और जो भी मैंने कंक्लूड किया मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। तो बेसिकली मुझे ये समझ में आया कि जो शैम्पू होता है ना, वो हमारे बालों को साफ़ करने के साथ साथ जो ऑयल होता है, नेचुरल ऑयल, उसको भी ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने नॉर्मल कमर्शियल शैम्पू को चेंज करूँगी और ये DIY शैम्पू यूज़ करूँगी। तो बेसिकली ये आमला, रीठा और शिखाकाई के पाउडर्स है। बेसिकली ब्रांड नेम है ओरिजिन्स, जहाँ से मैंने इसे ख़रीदा था। लिंक आपको इसका भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो बेसिकली इन तीन पाउडर्स को मिक्स करके हमें अपने सर में लगाना है, यानी कि एक एक चम्मच इन पाउडर्स का। अभी ये बहुत ज़्यादा तामझाम का काम है, इसीलिए मैंने इन सारे पाउडर्स को एक ही बर्नी में मिक्स करके रख दिया, जैसे कि आप देख सकते हो। और उनको पानी में मिक्स करना है, एकदम वाटरी सा पेस्ट बनाना है और अपने बालों की जड़ों में लगाना है। और फिर उसके बाद 5-10 मिनट के बाद इसे धो देना है। जब भी हम शैम्पू करते हैं, वो शैम्पू ना करते हुए हमें इस DIY शैम्पू को यूज़ करना है और इसी से बाल धोने। अब मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, इससे एकदम ऐसा कि आपके सर में झाग नहीं आएगा, इससे आपके बाल में एकदम सरी सी चिकनाहट जो दूर होती है वैसा कुछ नहीं होगा। बस ये थोड़ा सा क्लेंस कर देगा आपके सिर को, इसके अलावा पोषण भी देगा, तो उसकी वजह से आपके जो हेयर फॉल है वो कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा कभी लगता है कि बाल बहुत ज़्यादा चिपचिपे लग रहे हैं या फिर काफ़ी गंदे लग रहे हैं, तब आप अपने बालों को शैम्पू से धो सकते हो नॉर्मल वाले, यानी कि आप 2-3 हफ्तों में एक बार अपने नॉर्मल कमर्शियल शैम्पू का यूज़ कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर टाइम आपको इसी DIY शैम्पू का यूज़ करना होगा, तो एक बार आप करके देख लीजिए। और ये पॉकेट फ्रेंडली भी है। ओरिजिन्स के जो पाउडर है ना, वो आई थिंक कुछ 300-400 के अंदर आ जाते हैं। और एक बार अगर यूज़ करने लग जाओ तो एक चम्मच आपको एक टाइम के लिए काफ़ी होता है, जो कि काफ़ी लंबे समय तक चलता है। और इसके अलावा आपका हेयर फॉल भी ख़त्म हो जाएगा। और एक और चीज़ ये है कि मैं अपने बालों को ऑयल करती हूँ अपने पैराशूट के कोकोनट ऑयल से, तो उसके अंदर 100% प्योर कोकोनट ऑयल है। अब ये कोकोनट ऑयल इसलिए क्योंकि मैं कोकन में रहती हूँ, तो मेरे जो माहौल है, मतलब ह्यूमिडिटी है, बेसिकली काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है कोकन में, तो उसलिए मेरे बालों को कोकोनट ऑयल सही रहता है। तो आपके लिए, आप जो भी है, मतलब आप जिस भी इलाके में रहते हो, वहाँ के मौसम के, वहाँ के वेदर के हिसाब से आप कोई भी प्योर वाला ऑयल यूज़ कर सकते हो। मैं कोकन से, यानी कि महाराष्ट्र से हूँ, इसीलिए मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ। और इसके अलावा मैं अपने बालों के ऊपर कोई भी स्टाइलिंग या फिर कोई भी उल्टे सीधे और प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ नहीं करती। और इन सब की वजह से मेरे छोटे छोटे बाल सब वापस आने लग गए और मेरे बाल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। इसके अलावा मेरे जो सफ़ेद बाल थे ना, वो भी धीरे धीरे करके काले होने शुरू हो गए हैं। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी, मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आप पूरी तरीके से कंफर्म करना चाहो तो देख सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एक बार इस चीज़ को आप ज़रूर ट्राई करो। ट्रस्ट में आप बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे। और अगर आपको वीडियो करेंटली अभी पसंद आई हो तो उसको लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।